सो डियर चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आज के दिन में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। सो बेसिकली व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इट इज द फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू विच द मोशन और मोशन ऑफ अ बॉडी इज स्टडी। मतलब कोई भी अगर एक बॉडी रहेगा तो उसका मोशन हम जो स्टडी करते हैं वो एक सर्टन फ्रेम के हिसाब से। जैसे कि आप अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा आर यू मूविंग और नॉट, आप बोलेंगे सर आई एम नॉट मूविंग, क्योंकि आप जो आपके मोशन को रेफर कर रहे हो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस, आपके घर के दीवारों के हिसाब से आप बोलोगे कि आप मूव नहीं हो रहे हो। सो दैट घर के दीवार जो है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। लेकिन वही चीज अगर मैं मार्स में से अगर कोई हमारा कोई एलियन फ्रेंड है मार्स में, ये मार्स में से अगर कोई हमें देखने की कोशिश कर रहा है तो उसके हिसाब से अगर हम बोले कि आर यू मूविंग, दैट गाय विल हैव एन इमेज इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, जहां पर उसको दिखाई देता है कि हम मूव हो रहे हैं बिकॉज वी आर ऑन अर्थ एंड अर्थ इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू मार्स, दैट इज द रीजन व्हाई दैट गाय विल फील दैट वी आर मूविंग। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, इसका मतलब वो बंदा जो हमें देखा वो देखा विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ को उसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया। सो जिस बैकग्राउंड के हिसाब से हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी के बारे में कि बॉडी मूव हो रही है नहीं मूव हो रही है, ये सारी चीजें जो स्टडी करते हैं दैट बैकग्राउंड इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप्स करके लिखा तो भी चल जाएगा। द फर्स्ट वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? द फ्रेम विच डज नॉट accelerate is called as inertial frame of reference. Do you understand this? मतलब ऐसा कोई भी frame जो accelerate नहीं करेगी they are called as inertial frame of reference. For example, हम अगर मान लीजिए गाड़ी में move हो रहे हैं, मतलब एक car में move हो रहे हैं, ये car जो है ना highway पे entry मार लिया, highway पे वो constant speed के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा इनर्शियल फ्रेम। मतलब कौन? अपना जो कार है ना जो मूव हो रही है वो बन जाएगा इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि वो मूव हो रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जीरो एक्सेलरेशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वंडरफुल। अब ये जीरो एक्सेलरेशन अगर सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रही है ना तो सी नॉर्मली हमारे जो कैलकुलेशन है वो सारे के सारे कैलकुलेशन उसके अंदर सिंपली वर्कआउट कर लेते हैं। ओके, लॉज ऑफ न्यूटन शैल वर्क इन दिस फ्रेम। सेकेंड टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन इनर्शियल frame of reference. Non-inertial frame of reference means, उसका भी मतलब बताता हूं, the frame which accelerates is called as non-inertial frame of reference. अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खास बात क्या होता है? फ्रेम मतलब क्या होता है? एक सिस्टम। मतलब इमेजिन कीजिए आप कार के अंदर बैठे हो, कार इनिशियली जीरो वेलोसिटी पे थी, जीरो वेलोसिटी से लेकर अचानक से एक सर्टन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी तक पहुंच गया, तो क्या हो गया? उसने क्या किया? उसने बेसिकली उसने एक्सेलरेट किया। अब उसने एक्सेलरेट किया तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी उसका चेंज किया। जब वो एक्सेलरेट करेगा तो हमारे हम अगर उस कार के अंदर बैठे हैं तो आप तो जानते हो कि हमें एक झटका एक्सपीरियंस होगा पीछे की तरफ, मानते हो कि नहीं? हाँ, ये जो झटका एक्सपीरियंस होता है इसको कौन सा फोर्स बुलाते थे हम लोग?
उसको नाम से बुलाते थे ना, फोर्स। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही स्यूडो फोर्स एक्ट होती है। एम आई क्लियर? यस, वेरी गुड। सो यहां पर मैं बोलूंगा ओनली, सॉरी, द स्यूडो फोर्स एक्ट्स ऑन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सी, स्यूडो फोर्स के बारे में अब तो आप जानते हो कि इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, उसका कोई रिएक्शन, उसका कोई ओरिजिन हमें पता नहीं है। पता है क्या आपको? नो सर, ओरिजिन नहीं पता। एंड सी, नॉर्मली न्यूटन क्या बोलता है कि भाई हर एक फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है। अब स्यूडो फोर्स कहाँ से आया अपने को पता नहीं है, एंड स्यूडो फोर्स ने अपने ऊपर एक्शन तो जरूर दिखाया, लेकिन उसका रिएक्शन कहीं पर दिख रहा है क्या आपको? सर अपने पे ही दिखेगा। अपने पे जो दिख रहा है वो तो एक्शन है ना, तो उसका उसका रिएक्शन पैर किधर दिख रहा है क्या? नहीं सर, डेफिनेटली नॉट। सो स्यूडो फोर्स ही की मैं सी, रियल फोर्स जब होता है तो रियल फोर्स का एक रिएक्शन पैर भी होता है। मतलब एक पैर को, एक एक को अगर एक्शन बुलाएंगे तो रिएक्शन बुलाने के लिए सेकंड पैर हमें मिलता ही है 100%। लेकिन स्यूडो फोर्स इमेजिनरी फोर्स है, उसका ओरिजिन ही हमें पता नहीं है। तो वो उसका एक हमें दिखाई देगा, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग दूसरा पैर हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसी वजह से वी से दैट उसका कोई रिएक्शन पैर दिखाई नहीं देता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ काम नहीं करता है। तो मैं बोलूंगा न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम। ओके, सो दिस वाज अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं जस्ट हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। तो एक काम कीजिए, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न, अभी देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में अगर डिस्कस करें तो ऐसा कोई भी फ्रेम जो एक्सेलरेट करती है दैट इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ऐसे फ्रेम्स का एक एग्जांपल देता हूँ, उसी को हम लोग, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आगे आने वाले ना, तो एक एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। ओके, तो हाउ टू, या फिर हाउ टू फाइंड अपेरेंट वेट, अपेरेंट weight of a body in moving lift. So, एक lift consider करेंगे, वो lift जब move होती है तो weight में changes होता है क्या? होता है तो कितना होता है? ये चीजों के बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं। Okay? So, apparent weight मतलब क्या होता है? See, original weight क्या होता है? mg होता है, mass into acceleration due to gravity. मानते हो ना, original weight is mg. लेकिन apparent weight क्या होता है? हाँ, by the way, ये इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि भाई वेट के बारे में आप लोगों को थोड़ा एक जानकारी दूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊँ कि भाई अपेरेंट वेट क्या होता है करके। इसको मैं हाल फिलहाल के लिए साइड में डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेट क्या होता है करके, सो दैट वो कन्फ्यूजन ही दूर चला जाएगा। वेट, वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वेट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स को मालूम रहता है, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। है तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। तो वेट इज बेसिकली, वेट इज द मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, या फिर मैं बोलूंगा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी।
ओके, वेट ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑन दैट बॉडी. तो कोई भी बॉडी का वेट अगर आपको जानना है तो इट इज नथिंग बट उस पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना एक्ट होता है दैट इज इक्वल टू द वेट. ओके, सो यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब अगर मैं वेट बोलता हूँ तो गलती से भी मत बोलना वेट इज इक्वल टू. सी अक्सर है ना लोगों का एक गलत फहमी होता है कि अभी मान लीजिए हमने एक 1 kg ऑफ ऑनियन खरीदा तो ऑनियन का वेट कितना है 1 kg. दैट इज एक्चुअली रॉन्ग. ऑनियन का वेट नहीं है 1 kg, ऑनियन का मास है 1 kg. समझ में आ रही है ना आपको मेरी बात? हाँ सर. नॉट द वेट, यस सर, ओनली द मास. ओके, व्हाट इज वेट? बेसिकली वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वेट इज नथिंग बट अ फोर्स. एम आई क्लियर? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है. मतलब वेट का भी यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन होना चाहिए. एम आई क्लियर? यस सर. एग्जैक्ट, यस सर. सो वेट ऑफ अ बॉडी इन जनरल क्या होता है? फोर्स होता है. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होना चाहिए. या एक्सेलरेशन किसके वजह से होना चाहिए? ग्रेविटी के वजह से होना चाहिए. इसलिए ए की जगह पे हम क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं. एम आई क्लियर? यस सर. यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड. एस आई यूनिट. SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? जो SI यूनिट ऑफ फोर्स रहेगा वही SI यूनिट ऑफ वेट भी होगा. बताइए SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन. न्यूटन. वेट का भी तो SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा. एम आई क्लियर? यस. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. एंड वो हमेशा ही इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली downward. ओके, अब तक सब कुछ क्लियर है करके मैं अज्यूम कर रहा हूं. यस सर. यस. अगर वेट को सी, ठीक है, दैट मींस मुझे इतना समझ में आया कि अगर मेरा मास, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मास इक्वल टू 1 kg, then the weight can be calculated as weight क्या होगा बेसिकली W is equal to, जैसे कि आप जानते हो mg है ना, तो equal to m के जगह पे डालूंगा मैं 1 multiplied by g के जगह पे डालूंगा मैं 9.8. okay, is equal to 9.8 न्यूटन. बात समझ में आ रही है आपको? यस सर. ओके ओके, ये इज इक्वल टू 9.8 को नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ. ठीक है. अब आप सी, एक और सिचुएशन है. कभी कभी ना, अभी अभी जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, मास अगर 1 kg है तब जाके उसका वेट 9.8 न्यूटन होता. मतलब आप अगर 1 kg ऑफ ऑनियन लेके आ रहे हो, देन उस 1 kg ऑफ ऑनियन का वेट कितना होता है? 9.8. exactly. 1 kg ऑफ ऑनियन का मास 1 kg होता है, लेकिन उसका वेट होगा 9.8 न्यूटन. एम आई क्लियर? यस सर. वेरी गुड. यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड. अब जो वेट है ना, वेट को ना एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक और तरीके से कोई भी वेट रहेगा ना, उसको एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. वो भी बता देता हूँ. वेट, वो एसआई यूनिट तो आपको पता है न्यूटन से एक्सप्रेस किया जाता है. उसके अलावा एक और तरीका है. वेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, या फिर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास एज. Mass by using kg weight. मतलब ये जो है ना kg weight, ये एक यूनिट है वेट का. वेट को हम अक्सर न्यूटन से मेजर करते हैं, न्यूटन से एक्सप्रेस करते हैं, दैट वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ. लेकिन वेट को हम एक और यूनिट से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज नॉट द SI यूनिट बट दिस यूनिट kg weight, kg weight, kg dot wt. That is weight.
केजी वेट के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मैं बताता हूँ। अभी देखो वेट का वैल्यू 9.8 जब था तब उसका करस्पॉन्डिंग मास कितना था, 1 kg था, मानते हो? That is mass अगर 1 kg तो weight 9.8 है। अब उल्टा सोचो, weight अगर 9.8 है तो उसका mass कितना होगा, 1 kg। Similarly, mass अगर 2 kg होता तो इसका double हो जाता था weight। सही बात है? That is 9.8 का double कितना? 19.6 है कि नहीं? Yes sir। अब उल्टा उल्टा बोलते हैं, weight अगर 19.6 newton है तो mass कितना होगा उसका corresponding? 2 kg। Excellent। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं, वेट अगर आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ केजी वेट तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सिर्फ उसका मास कैलकुलेट करना है, दैट इज वेट विल बी इक्वल टू या फिर वेट इन केजी वेट, मतलब केजी वेट यूनिट में जो वेट होता है दैट इज नथिंग बट वेट इन न्यूटन अपॉन जी, आपको सिर्फ जी से उसको डिवाइड करना है, दैट्स इट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में बोलता हूँ मैं सर, तो फिर मास का यूनिट क्या? बोलिए वापस, क्या बोले? तो फिर मास का यूनिट क्या? मास का यूनिट केजी, मास के यूनिट में सिर्फ केजी आएगा, वेट के यूनिट में केजी के बाजू में डब्ल्यूटी भी आएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? और डब्ल्यूटी डिनोट क्या करते हैं? डब्ल्यूटी वेट डिनोट कर रहा है ना, वेट। समझ गए? तो मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ वेट ही बोल रहा हूँ। सो कभी कभी देखो क्वेश्चन में आपके एमसीक्यूज में ना कभी कभी फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आपको आंसर मिला W इज इक्वल टू 98 न्यूटन करके आंसर मिला आपको, ओके। लेकिन आप एमसीक्यूज में जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपके ऑप्शन में न्यूटन में है ही नहीं आंसर, आपके आंसर सारे के सारे केजी वेट में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी वेट में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो कन्वर्ट कैसे करते हैं? Yes. आपको अगर कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, वेट जो है न्यूटन में जो भी वैल्यू रहेगा उसको जी से डिवाइड करेंगे, दैट इज 98 अपॉन जी, जी का वैल्यू 9.8, 98 अपॉन 9.8 इज 10, सो 10 केजी वेट होगा आपका वेट का नया आंसर। डू यू अंडरस्टैंड डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न अबाउट apparent weight, okay? अब apparent weight के बारे में कुछ सीखते हैं। Now speaking about apparent weight, on a moving lift, या फिर एक काम करता हूं मैं, apparent weight in general बताता हूं मैं, उसके अंदर एक कंडीशन कंसिडर करता हूं एक मूविंग लिफ्ट का, ओके। सो अपेरेंट वेट बेसिकली क्या होता है? स्टेशनरी लिफ्ट बाकी है। या आई नो तीन केसेस है, तीन केसेस एक ही करके लेके आना, तो मैं टॉपिक को स्टार्टिंग से ही ले रहा हूं, ओके। अपेरेंट वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड on the floor any circumstance, okay, koi bhi circumstances pe jitna bhi force exert hoti hai floor pe usko bolte hain apparent weight. It is also called as the weight which is appearing in that circumstance. Now let's consider a lift which is stationary. I'll say let's consider go. Yeah, उसके अंदर first point lift which is stationary या फिर stationary lift.
Now speaking about stationary lift का condition कैसे दिखता है, चलो देखते हैं। मान लीजिए you have a lift like this, okay, ये एक lift है, यहाँ पर इसके अंदर आप खड़े हो, okay, सीधी सी बात है, ये lift के floor पे आपने कुछ ना कुछ तो मतलब gravitational force आपको नीचे की तरफ खींच रही है, that means आपके body ने lift के floor के ऊपर कितना दिया रहेगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आपका एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट आपने नीचे की तरफ दिया रहेगा, तो जितना आप फोर्स नीचे की तरफ देंगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा। दैट मींस मैंने आपको क्या बोला, अपेरेंट वेट बेसिकली क्या होता है, अपेरेंट वेट बेसिकली अपेरेंट वेट बेसिकली क्या होता है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर एट एनी सर्कमस्टेंस, मतलब ये फ्लोर पे जितना भी फोर्स एक्सर्ट किया होगा उतना ही तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। सो इनडायरेक्टली मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अपेरेंट वेट इज द इज ऑल्सो इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रही है आपको, डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। या सो जो भी नॉर्मल रिएक्शन रहेगा उससे अपेरेंट वेट इक्वल रहेगा। इफ यू वॉन्ट मैं उस चीज को यहां पर लिख के भी दे सकता हूं। Therefore, it is also equal to the normal reaction. Coming from the surface. मतलब एक पॉइंट है ये, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि भाई अपेरेंट वेट नॉर्मल अपेरेंट वेट नीचे की तरफ सर्फेस की तरफ जो भी फोर्स देते हैं उसी को अगर हम लोग अपेरेंट वेट बोलते हैं, देन हम एक और चीज से उसको बुला सकते हैं कि therefore it is also called as normal reaction। मतलब सीधी सी बात है ना, हम जितना फोर्स नीचे की तरफ देंगे उतना ही तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज नॉर्मल रिएक्शन से इक्वल हो सकता है। अब यहाँ पर किसी ने अगर पूछा हाउ मच इज अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट को मैं काम करता हूँ वेट के नीचे एक करके सिंबल डाल देता हूँ, दैट मीन्स अपेरेंट वेट इट इज। तो आप मुझे बताइए इन दिस केस अपेरेंट वेट बेसिकली क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन से इक्वल होगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एन है तो नीचे की तरफ कितना है एम जी, सो एन और एम जी दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। या सो यस सर। या इन शॉर्ट व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी जो अपेरेंट वेट होता है वो रियल वेट से इक्वल होता है। एग्री कर दे? यस। वंडरफुल, चलो ठीक है, अभी सेकंड केस देखते हैं, केस टू। व्हेन द लिफ्ट इज असेंडिंग और सर आपने वो लास्ट में अपेरेंट वेट वेट इक्वल टू वेट कैसे होएगा, वेट कैसे होएगा बता था। माय डियर चाइल्ड बेसिकली क्या है, हमने अभी हमने क्या बोला, अपेरेंट वेट बेसिकली फोर्स कितना एग्जर्ट करता है वो होता है, एंड दैट मींस अपेरेंट वेट हमेशा ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से इक्वल होगा। तो हमारे हिसाब से क्या है, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, सो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एन, इतना मुझे पता है। बट सिंस एन ऊपर की तरफ है और एम जी नीचे की तरफ है, एंड द होल सिस्टम इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज स्टेशनरी, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो है, उसका वेलोसिटी भी जीरो है, स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या है, तो ऊपर का और नीचे का फोर्स बैलेंस हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बैलेंस हो रही है मतलब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही है, मानते होगे? नहीं। हां सर। अब कैंसिल होने की सीधी सी बात है, ऊपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू अगर सेम होगा तब जाके कैंसिल होगा ना, वरना थोड़ी कैंसिल होगा वो एक दूसरे के साथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हां सर अभी समझ में आया, स्टेशनरी है ना इसको, स्टेशनरी है इसलिए एन का वैल्यू एमजी से इक्वल है, और ये जो एमजी है वो तो हमेशा ही वेट ही होता है। ओके आंसर। अभी व्हेन द लिफ्ट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर असेंड या डिसेंड करती है तो क्या होता है देखते हैं। सो इन दिस केस वापस ये लिफ्ट का डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये रहा अपना लिफ्ट, ये रहा वो बंदा जो लिफ्ट के अंदर है, इसका वेट एम जी नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है,
एंड ये भले ऊपर की तरफ जा रही हो नीचे की तरफ जा रही हो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो. जीरो. एक्सेलरेंट. एक्सेलरेशन कितना है? जीरो. ठीक है. अब मैं काम करता हूँ. हमने बेसिकली हमें हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये फॉर्मूला तो आप जानते हो, तो आप बस सिंपल सा वो फॉर्मूला यूज कीजिए. एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एफ नेट मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस. यहाँ पर इसका सम अगर करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर की तरफ एन जा रही है, नीचे की तरफ एम जी जा रही है. एन ऊपर की तरफ जा रही है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऊपर के फोर्स को मैं पॉजिटिव दे देता हूँ, नीचे की तरफ एम जी जा रही है तो माइनस एम जी दे देता हूँ. तो एफ नेट की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो है. अब तक समझ में आया आपको? यस सर. वंडरफुल. बेसिकली मैंने क्या किया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स मतलब एडिशन ऑफ फोर्सेस. ये दोनों फोर्सेस को ऐड किया, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लिया. एनीवे ये जीरो है, इसको उस तरफ अगर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर भी घूम करके मुझे एन इज इक्वल टू एम जी मिलता है. मानते हो कि नहीं? यस. यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. ओके वेरी गुड. नाउ सिंस एन इज इक्वल टू एम जी, मैं बोल सकता हूँ वापस सेम स्टोरी. अपेरेंट वेट जो होती है वो एम से इक्वल होती है, लेकिन एन यहाँ पर एम जी से इक्वल है जो वेट से इक्वल है. दैट मीन्स इन शॉर्ट मैंने क्या बताया, लिफ्ट अगर स्टेशनरी है तो भी अपेरेंट वेट रियल वेट से इक्वल होता है. लिफ्ट अगर ऊपर या नीचे जा रही है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो भी अपेरेंट वेट सेम ही होता है. अब तक कोई डाउट? नो सर. वंडरफुल. अब चलो नेक्स्ट केस देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट केस है. मैं आगे के दोनों केसेस लिफ्ट एसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन. लिफ्ट एसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन. तो ऐसे केस में क्या होता है देखते हैं. एसेंड कर रही है मतलब ऊपर जा रही है, डिसेंड कर रही है मतलब नीचे आ रही है. ओके okay? ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाते हैं. ये रहा अपना लिफ्ट, हियर इज द पर्सन जिसका वेट एम जी नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है. दिस इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए. अब तक कोई डाउट? नो सर. वेरी गुड. ना सिंपल सा फंडा, वापस सेम स्टोरी यूज करते हैं. एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन अगर यूज करेंगे तो बेसिकली मुझे क्या पता चलेगा, एफ नेट क्या है यहाँ पर एन. या फिर मैं बोलो तो ना, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज ही मत करो, उसके जगह पे दूसरा एक तरीका मैं आपको बताता. अभी ये एक्सेलरेशन जब ऊपर की तरफ जाती है तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होती है. आपने सीखा होगा स्यूडो फोर्स के बारे में. हाँ सर. या ये स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होती है, स्यूडो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन. मानते हो कि नहीं? राइट. यस. वेरी गुड. नाउ ये जो बॉडी है क्या ये लिफ्ट के अंदर, अभी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन क्या ये बॉडी लिफ्ट के अंदर ऊपर की तरफ जा रही है, क्या एक्स्ट्रा हवे पे है क्या ये? नहीं. क्या ये लिफ्ट के अंदर नीचे खोदने की कोशिश कर रही है क्या? क्या पूछा सर? क्या ये लिफ्ट के अंदर नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रही है क्या? लिफ्ट के अंदर ये अपने जगह पे खड़ा है ना ही वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही वो नीचे की तरफ जा रहा है, लिफ्ट के अंदर. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो सिंस ये बंदा ना ही लिफ्ट का फ्लोर छोड़ के ऊपर जा रहा है ना ही वो लिफ्ट के फ्लोर के नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मींस ऊपर का फोर्स और नीचे के दोनों फोर्सेस दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है. एम आई क्लियर? यस सर. या यस सर. तो बैलेंस हो रही है मतलब ऊपर का फोर्स का वैल्यू नीचे के दोनों के फोर्सेस के वैल्यू से इक्वल हो जाएगी, एम जी प्लस एम ए. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू इज एम जी प्लस एम ए. अभी आप तो जानते हो कि अपेरेंट वेट बेसिकली क्या होता है, एन से इक्वल होता है, दैट इज नथिंग बट एम जी प्लस ए से इक्वल होता है, या फिर एम जी प्लस एम ए से इक्वल होता है. ये अपेरेंट वेट का वैल्यू होगा.
एंड रिलेशन बिटवीन अपेरेंट वेट एंड नॉर्मल वेट क्या होगा? नॉर्मल वेट क्या है? W है प्लस MA, तो इसका मतलब आप ही मुझे बताओ क्या ये नॉर्मल वेट से बड़ा है या छोटा है? अपेरेंट वेट, इज इट ग्रेटर देन नॉर्मल वेट और इट इज लेस देन नॉर्मल वेट? ग्रेटर देन नॉर्मल वेट, देयरफॉर मैं बोलूंगा अपेरेंट वेट इन दिस केस इज ग्रेटर देन नॉर्मल वेट। इसका मतलब जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है तब अपेरेंट वेट हमें थोड़ा बड़ा एक्सपीरियंस होता है, मतलब हमारा खुद का वजन हमें लगता है कि थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली। एम आई क्लियर? यस। ठीक है, सो इट इज जस्ट, इट इज नॉट, ये रियल वेट से, रियल वेट बढ़ता नहीं, अपना रियल वेट उतना ही होता है, लेकिन अपेरेंट वेट उस टाइम पर जो ऐसा फील होता है हमें कि हाँ भाई हमारा वेट इतना है, वो उस टाइम पर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा वेट थोड़ा ज्यादा है। फोर्थ वन, द लास्ट केस, लिफ्ट डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन। लिफ्ट अगर नीचे की तरफ आ रही है विद सम एक्सेलरेशन तो क्या होगा? सेम फंडा, बहुत बहुत कम एक्सपीरियंस होगा, लॉजिक पूरा सेम ही यूज करना है आपको। ये रहा बंदा या फिर ब्लॉक जो भी है, उसका वेट mg नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ है। एम आई क्लियर? वापस वही सेम स्टोरी, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के साथ बैलेंस होती है, दैट मीन्स ऊपर का फोर्स क्या है? एम ए है प्लस एन इज इक्वल टू एम जी, दैट मीन्स एन का वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। एम आई क्लियर? दैट मीन्स अपेरेंट वेट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए। एंड इन दिस केस अपेरेंट वेट क्या होगा? इट विल बी लेस देन एक्चुअल वेट। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। अब तक कोई डाउट? decelerates downward or upward. So, जब भी लिफ्ट है ना, see, अब तक हमने जो देखा it was accelerating, accelerating downward या फिर upward. Downward के लिए हम लोग ascend करके word use किए थे हम लोगों ने, and upward के लिए हम लोग ने descend करके एक word use किया था, सही बात है? It was all acceleration, there was no deceleration till now. अब मान लीजिए you have a lift. This lift is coming down, but it is decelerating. मतलब minus a. Am I clear? Yes. Yeah. बाकी पूरा same. Yes sir. mg नीचे की तरफ रहेगा, n ऊपर की तरफ रहेगा, acceleration नीचे है तो उसका pseudo force भी ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन जो pseudo force आप ऊपर की तरफ देंगे ना, उस पे ये वाला negative sign डाल देना सिर्फ. That is the only thing which you have to take care of. मतलब डीसेलरेशन जैसे ही दिखाई दिया, क्वेश्चन में नेगेटिव कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ डीसेलरेशन बोलेंगे या फिर वेलोसिटी कम हो रही है बोलेंगे, समथिंग लाइक दैट ऐसे बोलेंगे ना, तो समझ जाना डायरेक्शन भले तुम नीचे की तरफ दो लेकिन माइनस के साथ देना। एम आई क्लियर? यस सर। या दैट इज द ओनली थिंग। ओके, हाँ कोई कोई ठीक है, एनीवे मैं पहले ये बता देता हूँ, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला फोर्सेस एन माइनस एम ए इज इक्वल टू एम जी, दैट मीन्स एन का वैल्यू हो जाएगा एम जी प्लस एम ए। ओके, एम आई क्लियर? या यही लिफ्ट अगर ये सेम स्टोरी एम जी ऊपर की तरफ एन, यही लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ डीसेलरेट हो रही होती तो इसको नीचे की तरफ माइनस यूडो फोर्स मिलता था, तो वही घूम करके वही सेम स्टोरी होता था, एम जो होता था वो एम जी माइनस एम ए हो जाता था, जो कि हमारा अपेरेंट वेट से इक्वल होता था। आप ही क्लियर करना? यस सर। वैल्यूज को ऑब्जर्व करेंगे, देखो प्रीवियसली लिफ्ट जब ऊपर जा रही थी
तो वेट ज्यादा दिख रहा था, नीचे आते वक्त वेट कम दिख रहा था, वो एक्सेलरेशन के केस में। अब ध्यान से देखना, लिफ्ट जब ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो वेट ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन जब लिफ्ट है ना नीचे जब डीसेलरेट होती है तब वेट ज्यादा दिख रहा है। कैन यू सी दैट? यस। या प्रीवियसली, वापस बता रहा हूँ मैं, वापस देख लेना, प्रीवियसली लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही थी तब वेट में प्लस दिखाई दे रहा था, मतलब ज्यादा दिखाई दे रहा था। अब लिफ्ट जब नीचे की तरफ डीसेलरेट होती है तब वेट प्लस दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना इज इक्वल टू नीचे की तरफ डीसेलरेट होना। सो डीसेलरेटिंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू द सेम, गिव्स यू द सेम इफेक्ट दैट इट गिव्स व्हाइल एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, that's what I'm trying to say. दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, बट उनका इफेक्ट जो है ना, ओवरऑल इफेक्ट वो सेम इफेक्ट रहेगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, अब यहाँ पर देखो, ये नीचे की तरफ जब एक्सेलरेट हो रही थी तब माइनस आया, दैट मीन्स वेट कम दिखाई दिया। अब देखो ये ऊपर की तरफ जब डीसेलरेट होती है तभी भी माइनस आ रही है, मतलब ऊपर की तरफ डीसेलरेट होना गिव्स यू द सेम इफेक्ट जो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होने से मिल सकता है। Am I clear? आपकी मर्जी। सी, जब भी आप डीसेलरेशन के केसेस देखोगे, अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ डीसेलरेट हो रहा है, आपको अगर डीसेलरेशन से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, सो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप सिर्फ एक और टेक्निक यूज कर सकते हो। नीचे की तरफ जो भी डीसेलरेट कर रही है उसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन के केसेस जैसे कंसिडर करो। सो ऐसे कंसिडर करो कि दिस इज नॉट दिस केस, दिस इज दिस केस। इस तरह कंसिडर करो, इस तरह सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? ऊपर की तरफ नेगेटिव एक्सेलरेशन से जा रही है, दैट मींस सीरो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव के साथ, सो माइनस एम ए रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ओवरऑल फोर्स क्या रहेगा? ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स इज एन, नीचे का फोर्स इज एम जी माइनस एम ए, दैट मीन्स वो तुम्हारा अपेरेंट वेट होगा। अब यही सेम आंसर हमें कब मिला था? हमें एक और कंडीशन में मिला था, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के टाइम में भी सेम आंसर ही मिला था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अपवर्ड डीसेलरेशन कैन बिहेव एज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एज वेल। एम आई क्लियर? सो माय डियर चिल्ड्रन, नाउ वी हैव लर्नड व्हाट इज अपेरेंट वेट। अब हम सीखेंगे इंपल्स। बेसिकली इंपल्स क्या होता है? इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड आई विल गिव यू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स। नो वरीज। सी, इंपल्स बेसिकली क्या होता है? आई शैल से, मान लीजिए योर प्लेइंग क्रिकेट, ओके, आपके पास एक बॉल आया, आपने बॉल को बैट से हिट किया जिस वजह से बॉल दूर चला गया, राइट? सो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने बैट को यूज करके बॉल के ऊपर फोर्स इम्पार्ट किया, फोर्स बॉल को दिया, बट दिस बॉल, ये बॉल को जो आपने फोर्स दिया आपने स्लोली नहीं दिया, आपने क्या किया, आपका बैट और बॉल आपस में बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कॉन्टैक्ट में थी, एंड उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यू इम्पार्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन टू द बॉल, ड्यू टू विच द बॉल वेंट अवे फ्रॉम योर एंड। एम आई क्लियर? एम आई करेक्ट? मतलब आप है ना बहुत ही कम टाइम यूटिलाइज करके वो ही कम टाइम में ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बुलाते हैं इंपल्स, ओके? इसको इंपल्स क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ग्राफिकली अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ये रहा ग्राफ, ये फोर्स, ये टाइम, मतलब स्टार्टिंग में आपने कुछ फोर्स नहीं दिया तो टाइम जितना आगे बढ़ रहा है, टाइम जीरो से लेकर आगे बढ़ रहा था, आपने कुछ भी फोर्स नहीं दिया, अचानक से आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स दिया एंड छोड़ दिया। समझ में आ रही है आपको बात? सो व्हाट हैपेंड, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में, ये जो टाइम फ्रेम है बहुत ही छोटा सा टाइम फ्रेम है, इतने छोटे टाइम फ्रेम पर आपने इतना बड़ा फोर्स दिया, तो दिस कॉन्सेप्ट, ये जो ऐसा सडनली पीक की तरफ जाके वापस आना है, ये आपने शायद वो हॉस्पिटल्स में भी कार्डियोग्राम्स में जो होता है तो
उस टाइम पर जो ग्राफ वगैरह दिखते हैं वो उसमें भी देखा होगा ऐसा अचानक से ऊपर जाके नीचे आना है ना, राइट? तो उस ग्राफ को भी हम लोग बुलाते हैं इम्पल्स ही बुलाते हैं. तो ऐसे काइंड ऑफ ग्राफ को हम लोग बुलाते हैं इम्पल्स. एंड यहाँ पर फोर्स आपने ऐसा इम्पल्स के तरीके से दिया है, देयरफॉर दिस थिंग इज कॉल्ड एज इम्पल्स फोर्स. ओके, यस सर. या इम्पल्स फोर्स इज द टाइप ऑफ फोर्स विच इज एक्सर्टेड, या which is exerted on a very small time frame. Okay, बहुत ही छोटे time frame पर जो exert करती है उसको impulse से denote किया जाता है. Impulse को generally J से denote किया जाता है. Basically J या फिर impulse क्या होता है, हमने कितना force exert किया छोटे से time frame पर, that is called as impulse. अब तक कोई डाउट? नो सर. या कितना फोर्स इंसर्ट किया छोटे से टाइम फ्रेम पर. अभी ऐसे केसेस में हम लोग ने हम अक्सर ऐसे केसेस में क्या होता है, अभी आप देख रहे हो यहां से जब फोर्स डालना शुरू किया, फोर्स जीरो से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ता गया, फिर मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद जीरो की तरफ वापस आ गया. तो बेसिकली फोर्स इज चेंजिंग, फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स ये जो फोर्स है ना ये वेरिएबल फोर्स है थ्रू आउट द टाइम. इसी वजह से इसको ना इंटीग्रेट करना पड़ता है. Am I clear? Integrate क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि throughout the time, यहां से लेकर यहां तक जब throughout the time हुआ, तो हमें force का एक single value नहीं मिल रहा था. अगर force का एक single value होता, तो simply हम लोग force into time लिख सकते थे. लेकिन force का single value नहीं है. Force का multiple values है. Zero से लेकर f तक जा रही है, and f से नीचे zero की तरफ आ रही है. Since force का value throughout change हो रही है, जब भी ऐसे variables के साथ deal करना होता है, तब हम लोग या तो integration करते हैं, नहीं तो differentiation करते हैं. हाँ, मल्टीप्लीकेशन का केस रहेगा तो वी डू इंटीग्रेट, डिफरेंस डिवीजन के केसेस में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. एंड ग्राफ्स के टाइम पे भी, मैंने जब ग्राफ सिखाया तभी भी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कोई ग्राफ आपके सामने आए जिसका शेप आप श्योर नहीं हो, उसका एरिया निकालना है, तो आप उसको इंटीग्रेट करके एरिया निकाल सकते हैं. याद आ रही है आपको? Yes. ग्राफ के सेक्शन में मैंने आपको सिखाया था. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर भी फोर्स इनटू टाइम करना है, दैट मीन्स आपको ग्राफ का एरिया निकालना है. तो ये ग्राफ का जो भी एरिया रहेगा इसी को हम लोग इंपल्स बुलाएंगे. एंड ग्राफ का एरिया, सिंस शेप हमारे लिए इतना श्योर नहीं है हम लोग शेप क्या है, देयरफॉर वी विल इंटीग्रेट इन दिस केस. सो दिस इज वन एक्सप्रेशन, दिस इज वन एक्सप्रेशन फॉर इंपल्स. दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? दूसरा एक्सप्रेशन भी बहुत सिंपल है. मैं बोलूंगा ये जो फोर्स है ना भाई, चलो ठीक है आगे बढ़ता हूं. ये जो फोर्स है, फोर्स की जगह मैं लिखूंगा मैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ. ये टाइम और टाइम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम. इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम. दैट मीन्स इम्पल्स को एक और यूनिट है, वो यूनिट है चेंज इन मोमेंटम. एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम. अब बात करते हैं SI यूनिट के बारे में. स्पीकिंग अबाउट SI यूनिट, इसके दो SI यूनिट्स रहेंगे. एक रहेगा फोर्स इनटू टाइम, मतलब क्या होता है न्यूटन सेकंड. दूसरा चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का यूनिट दैट इज kg मीटर पर सेकंड. एम आई क्लियर?